सो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स कर लिया था, कौन सा, कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके, सो आज कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो बेटा सबसे पहली टर्म यहां पर नजर आ रही होगी आपको, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. देखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, पहले तो समझो, नाम से पता चलना चाहिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या बेटा, यहां जरा समझना. देखो भाई, दिस इज एन इश्यू ऑफ शेयर्स टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और सम सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू प्रायर अप्रूवल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर. यानी कि बेटा जो पुराने शेयर होल्डर हैं, पुराने एग्जिस्टिंग मतलब जो पुराने शेयर होल्डर हैं, उनसे क्या लिया जाएगा, पहले अप्रूवल लिया जाएगा. किस चीज के लिए अप्रूवल लिया जाएगा, कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप्स को कंपनी क्या करेगी, शेयर इश्यू करेगी. तो एक बात बताओ बेटा, क्या ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू होगा? प्रोस्पेक्टस किसके लिए था, जब हम शेयर किसको इशू करेंगे, पब्लिक को इशू करेंगे, बट हेयर हम शेयर्स किसको इशू कर रहे हैं, सम सिलेक्टेड ग्रुप्स को. तो बेटा यहां पर प्रोस्पेक्टस के थ्रू उनको शेयर्स इशू नहीं किए जाएंगे. ठीक है, और ये बिना प्रायर अप्रूवल के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के कोई भी शेयर्स इशू नहीं होगा. देयर इज नो नीड ऑफ इशूइंग फॉर्मल प्रोस्पेक्टस एंड इट इज कॉस्ट एंड टाइम सेविंग मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल. बेटा ये सबसे आसान और कॉस्ट कटिंग वाला मेथड है, जो हम पैसा क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं. अब यहाँ पे सिलेक्टेड ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बेटा म्यूचुअल फंड्स एजेंसीज हो सकती है, यहाँ पे बैंकिंग कंपनीज हो सकती है, यहाँ पे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स को इश्यू करके क्या कर लेंगे, पैसा रेस कर लेंगे. ठीक है, तो बेटा उसी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. ठीक है, अगला अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बेटा, कंपनी क्या करती है बेटा, शेयर्स क्या करती है, इशूड शेयर्स क्या करती है, इशूड करती है किसको, पब्लिक को. और पब्लिक शेयर्स के लिए क्या करेगी, अप्लाइड. सपोज करो बेटा कंपनी ने इशूड करे 1,00,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी ने इशूड कितने करे, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स, और एप्लीकेशंस आई 90,000 शेयर्स की. एप्लीकेशंस कितने की, 90,000. अब बेटा यहां पर जरा बताओ, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स क्या है, ज्यादा, किससे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. बेटा लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक, इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन. यानी कि बेटा क्या है, कंपनी ने ऑफर क्या करा, ज्यादा, बट कंपनी के पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. तो बेटा उसी को हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन का जस्ट ऑपोजिट क्या, when the number of shares application received is more than the number of shares offered to public, it is over subscription. मान लो बेटा 1,00,000 shares तो issued किए जा रहे हैं, but applications आ गई 1,50,000 की, तो बेटा issued क्या हो गया, अब कम हो गया किससे, applied से. तो बेटा इसी को क्या बोलेंगे, over subscription. और इसी over subscription के केस में बेटा एक concept पढ़ना पड़ता है, that is pro rata. क्या, pro rata, है ना. और pro rata का मतलब होता है partial allotment. क्या होता है pro rata का मतलब, पार्शियल अलॉटमेंट. तो प्रोराटा सिर्फ किस केस में होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई भी प्रोराटा नहीं होता है. ओके, तो प्रोराटा बेटा कहां पर करेंगे हम, ओवर सब्सक्रिप्शन में. ओके, अब ये किस तरह से करते हैं वो जरा समझेंगे. भाई ओवर सब्सक्रिप्शन में किस तरह से हम शेयर्स को अलॉट करेंगे, है ना, इशूड करेंगे. ओके, आइए देखते हैं बेटा. हमारे पास जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जब भी क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड क्या थे, कम, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड क्या होंगे, ज्यादा. तो बेटा उसके तीन तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके क्या होंगे, तीन तरीके. हमारे पास बताओ कितना एक्स्ट्रा आया था, 50,000. कितना एक्स्ट्रा आया था, 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस क्या आई थी, ज्यादा. तो बेटा जो 50,000 की एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, उन 50,000 शेयर्स को कंपनी क्या कर सकती है, रिजेक्ट, क्या कर सकती है, रिजेक्ट. एक ऑल्टरनेट तो ये है, एक ऑल्टरनेट ये कि भाई कंपनी जितना भी एक्सेस है उस मनी को क्या कर देगी, रिजेक्ट, यानी कि उनका पैसा क्या कर देगी, वापस कर देगी. ठीक है, ओके. दूसरा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, कंपनी जितने भी 50,000 शेयर्स थे, जितने भी क्या थे, 50,000 शेयर्स थे, उनको बेटा क्या कर सकती है, एडजस्ट, क्या कर सकती है उनको, एडजस्ट. और बेटा जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा एज्यूम करना जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन है वो किसके साथ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के साथ. किसके साथ, अलॉटमेंट. तो 50,000 शेयर्स एडजस्ट टुवर्ड्स अलॉटमेंट, किसके साथ होंगे बेटा, अलॉटमेंट के साथ. दूसरा ऑल्टरनेट. तीसरा ऑल्टरनेट क्या होता है बेटा, पार्टली क्या हो सकते हैं, रिजेक्ट. और पार्टली क्या हो सकते हैं, एडजस्ट.
ओके, तो बेटा देयर आर थ्री ऑल्टरनेट्स, तीन ऑल्टरनेट है किस केस में, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन है दैट होल विल बी रिजेक्टेड, बेटा जितना भी एक्सेस है उसको क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। सेकेंड ऑल्टरनेट क्या है, जितना भी एक्सेस है उस सबको क्या करो, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। एंड थर्ड ऑल्टरनेट इज पार्टली क्या कर दो, रिजेक्ट, और पार्टली क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। ओके, तो बेटा इसी को बोलते हैं क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज प्रोरेटा, ठीक है, और प्रोरेटा मींस पार्शियल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट का मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे। मतलब यहां तक बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, इतना अगर क्लियर है फिर हम आगे चलते, जल्दी से बताओ इतना क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ यहां तक बेटा सभी को क्लियर है, इधर ऑफलाइन वाले बच्चे यहां तक सबको समझ में आ गया। ओके, अब क्लास 12th स्टैंडर्ड में दो टॉपिक सबसे मुश्किल लगते हैं बच्चों को, एक फॉरफीचर और दूसरा प्रोरेटा, और ये सबसे आसान टॉपिक है, ये सबसे आसान टॉपिक है फॉरफीचर और प्रोरेटा, ठीक है। अब देखो प्रोरेटा के बारे में बेटा मैं अब आपको बताता हूं, जरा समझना, ठीक है, समझो बेटा, हमारे पास मान लेते हैं एक शेयर की फेस वैल्यू, एक शेयर की फेस वैल्यू है बेटा ₹10, फेस वैल्यू कितनी है ₹10, ठीक है। अब ये ₹10 कंपनी ने कुछ इस तरह से मंगवाए, एप्लीकेशन पर बेटा ₹3, एप्लीकेशन पर ₹3, ठीक है, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2, ओके, और फाइनल कॉल पर ₹2, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ₹10 हो गया टोटल, ठीक है। कंपनी इशूड, कंपनी इशूड 1 lakh इक्विटी शेयर्स, बेटा कंपनी ने कितने शेयर्स इशूड करे, 1 lakh शेयर्स क्या करें इशूड। कंपनी रिसीव्ड, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 2 lakh इक्विटी शेयर्स, बेटा कितना 2 lakh, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई कितना वापस करा, कितना क्या करा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर पहले तो बताओ ये ओवर सब्सक्रिप्शन का कैसे, अंडर सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड और इशूड, सो बेटा ये क्या हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन, और ओवर सब्सक्रिप्शन को डील किससे करेंगे, प्रोरेटा से, ठीक है। और प्रोरेटा में क्या पड़ा, सारा का सारा यानी कि एक्सेस कितना, कितना एक्सेस आया 1 lakh, एक्सेस कितना आया 1 lakh, इस 1 lakh को क्या कर सकते हो, रिजेक्ट, इस 1 lakh को क्या कर सकते हो, एडजस्ट, इसमें से कुछ रिजेक्ट कर दो और कुछ क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, यही तो कर सकते। ओके, अब जरा समझो बेटा 1 lakh की एप्लीकेशन सही, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द प्रोरेटा रेशियो, बेटा क्वेश्चन में प्रोरेटा रेशियो क्या है बताओ, क्या है प्रोरेटा रेशियो, प्रोरेटा रेशियो का मतलब बेटा हमारे पास 2 lakh की क्या आई एप्लीकेशन और 1 lakh शेयर्स क्या है इशूड, तो बेटा अगर मैं इसका रेशियो कैलकुलेट करूं तो क्या बचेगा 2:1, क्या बचेगा 2:1। अब इस 2:1 की इंटरप्रिटेशन क्या है, दोज हु अप्लाइड फॉर 2 shares, जिन्होंने कितने के लिए अप्लाई करा, 2 share के लिए, दे एक्चुअली गेट 1 share, बेटा हर 2 के बदले में उन्हें कितना मिला, 1 share मिल रहा है, हर 2 के बदले में 1। ओके, दोज हु अप्लाइड फॉर 150 shares या 1500 shares एक्चुअली गेट व्हाट नंबर ऑफ shares बताओ बेटा, जिन्होंने 1500 शेयर के लिए अप्लाइड करा होगा उन्हें एक्चुअल में कितने शेयर मिल रहे होंगे, 750, बताओ ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो आपने प्रोरेटा रेशियो निकालना सीख लिया, बताओ क्लियर है सबको, हर 2 के बदले में कितना मिल रहा था 1, तो 1500 के बदले में कितना मिलेगा 750, क्लियर है। ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया कि भाई जस्ट हमने आधा कर दिया उसका, है ना, बट इसको मैथमेटिकली निकालते कैसे, इसको मैथमेटिकली निकाल, हो सकता है रेशियो कुछ और हो, 3:4 हो सकता है, 7:5 हो सकता है, तब आप कैसे करोगे, तो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना, तब तो बेटा कैसे करेंगे, तो ध्यान दो बेटा यहां पर कौन से शेयर गिवन है हमें, अप्लाइड, कौन से शेयर गिवन है बेटा, अप्लाइड गिवन है ना, देखो अप्लाइड गिवन है, ठीक है। अब अप्लाइड गिवन है, निकालने कौन से थे इसके, इशूड, कौन से निकालने थे बेटा इशूड, या फिर हम बोल सकते अलॉटेड, कौन से अलॉटेड, या तो इशूड बोल दो या फिर कौन से बोल दो अलॉटेड, तो ध्यान दो बेटा जो चीज कैलकुलेट करनी है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या कैलकुलेट करना है हमें,
कौन से शेयर कैलकुलेट करने, अलॉटेड, तो अलॉटेड कहा जाएगा मल्टीप्लाई में। अब बताओ कितने शेयर अप्लाइड थे, 1500। अब रेशो कितना है, 2:1, तो अलॉटेड जो है कहा जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब न्यूमरेटर में, यानी कि क्या इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 750 शेयर्स, कितने आ गए 750 शेयर्स। बताओ क्लियर इतनी बात, इतनी समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते बेटा, हमारे पास इशूड शेयर है वही 1,00,000 और अप्लाइड शेयर है 2,00,000। बेटा इशूड कितने, 1,00,000 और अप्लाइड कितना, 2,00,000। ओके, अब 50,000 शेयर्स रिजेक्टेड, बेटा 50,000 शेयर को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो व्हाट इज द प्रोराटा रेशो, बताओ प्रोराटा रेशो क्या होगा बेटा, प्रोराटा रेशो क्या होगा बताइए, बताइए प्रोराटा रेशो क्या होगा, बेटा अब बताओ 1,00,000 तो अप्लाइड है, 1,00,000 क्या है अप्लाइड, अब उसमें से बेटा कितने अलॉट कर सकते हो, 1,50,000, कितने कर सकते हो 1,00,000, क्योंकि 50,000 आपने क्या कर दिए बेटा रिजेक्ट, तो आप एक्सेप्ट कितनी एप्लीकेशंस कर रहे हो, 1,50,000। देखो यहां से मैं सारी जीरो कैंसिल कर दूं, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि बेटा कितना हो गया, 2:3 बोलो या 3:2 बोलो, बट इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया उन्हें कितने मिले, 2, या जिन्हें 2 शेयर कंपनी से मिले उन्होंने कितने के लिए अप्लाई करा, 3 शेयर के लिए। बताओ बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। जाफर एक्स गेट्स 75 शेयर्स, एक्स गेट्स 75 शेयर्स, सो बताओ एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, सिर्फ तुमसे सवाल है, एक्स को कितने शेयर मिले 75 और एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 75 × 3/2 बिल्कुल सही है, अभी अभी क्या बताया बेटा, क्या निकालना है, क्या निकालना है यहां पर अप्लाइड, और मैंने क्या कहा था बेटा जो कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई उसी से कर दो, यानी कि 75 × 3/2, ठीक है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 225/2, हालांकि बेटा पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, यानी कि 112.5, क्योंकि मैंने हाइपोथेटिकल केस ले लिया था, बात समझ में आ रही है, ओके। और ये ध्यान दो हमेशा कौन से शेयर ज्यादा होंगे प्रोराटा में, अप्लाइड, ओके, अप्लाइड हमेशा किससे ज्यादा होंगे बेटा, अलॉटेड से, किससे अलॉटेड से, बताओ क्लियर इतनी बात, यहां तक बात सबको समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए बेटा, तुम भी रिपीट करवाओगे, अच्छा कौन अहमद, क्या रिपीट करना बताओ, देखो मान लेते बेटा हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है इशूड, इशूड शेयर्स कितने 60,000, ओके, एप्लीकेशंस आ गई 92,000 शेयर्स की, ओके, कंपनी रिजेक्टेड, ऐसे कर प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर, बेटा प्रोराटा कैसे हो रहा है, सबसे पहला दोज हु अप्लाइड फॉर 50,000 शेयर्स दे एक्चुअली गेट 30,000 शेयर्स, बेटा जिन्होंने 50,000 के अप्लाइड करा उन्हें कितने मिल रहे, 30,000। कैटेगरी टू, दोज हु अप्लाइड फॉर 40,000 शेयर्स दे एक्चुअली गेट 30,000 शेयर्स, बताओ अब तक कंपनी कितने शेयर्स दे चुकी है, 7,000, कितने शेयर दे चुकी है, और बेटा कंपनी बताओ मैक्सिमम कितने लोगों को शेयर होल्डर बना सकती है, 7,000 को ही ओनरशिप दे सकती है ना, क्योंकि उसके पास है ही कितने, और एप्लीकेशंस कितने की आ गई अब तक, देखो कितने एडजस्ट हो गए, यानी कि 90, कितने बचे, तो 2,000 वालों को बेटा क्या कर देगी, रिजेक्ट, यानी कि उनको भेजेगी लेटर्स ऑफ रिग्रेट, क्या भेजेगी, लेटर्स ऑफ रिग्रेट कि भाई अब हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, तो बेटा इनकी एप्लीकेशंस को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, क्या कर देगी, रिजेक्ट, ठीक, बात समझ में आ गई। अब बेटा कैटेगरी नंबर 1 में अहमद, कैटेगरी 1 में प्रोराटा रेशो क्या होगा,
3:5 बोलो या 5:3 बोलो, क्या मतलब होगा इसका? जिन्होंने पांच के लिए अप्लाइड करा उन्हें कितने मिले? तीन. जिन्होंने पांच के लिए अप्लाइड करा उन्हें कितने मिले? तीन शेयर मिल रहे हैं. समझ में आ गया इतना? अहमद कैटेगरी वन की बात कर रहे हैं. राम, राम बिलोंग्स टू कैटेगरी वन. राम किसको बिलोंग करता है? कैटेगरी वन को. अप्लाइड फॉर, राम अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स. राम ने कितने के लिए अप्लाई करा? अब बताओ उसके अप्लाइड शेयर हमें गिवन है कितने? 1000. तो उसके कौन से निकालने पड़ेंगे? अलॉटेड. बताओ अहमद कितने शेयर उसे कंपनी से मिले होंगे? आसिफ कितने शेयर बेटा? 600. कितने? 600. देखो ये 600 कैसे निकाल सकते बेटा हम? हमारे पास 1000 शेयर से. मैंने क्या कहा था बेटा? निकालना क्या यहां पे? और अलॉटेड का रेशियो कितना है इसमें से? 3. और अपॉन में कैसा लगाएगा? 5. यानी कि कितना आ गया? 600. अब एक और चीज समझा रहा बेटा. 1000 वालों को कितने मिल रहे? यही तो मिल रहे. इसको सिंपलीफाई कर दूं और ये 2 से कितने टाइम चला जाएगा? 5. और ये 2 से कितने टाइम? बताओ क्या रेशो आ गया? 5:3. क्या आ गया? 5:3. बताओ सबको बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा इतनी बात? यहां तक बताओ. अब किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा जल्दी से बताओ अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी से. ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर इतना? अगला नेक्स्ट बेटा तुम कैफ कैटेगरी टू में, कैटेगरी टू में प्रोराटा रेशो क्या है? 4:3. बेटा कैटेगरी टू में प्रोराटा रेशो कितना है? 4:3. ओके 4:3. बुशरा 4:3 की इंटरप्रिटेशन क्या है? मतलब हाँ इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? 3:4 या 4:3 इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी? क्या मतलब है इसका? आप बताओ. ओ मैम 4 लोगों ने बताओ जिन्होंने डिमांड कितने की करी है? 4 की. उन्हें कितने मिल रहे? या लोगों से मतलब नहीं है, क्या है यहां पे? शेयर से मतलब है. ओके तो बेटा जिन्होंने दोज हू अप्लाइड फॉर दे एक्चुअली गेट. सो 4:3 ये हमारा क्या हो गया? प्रोराटा रेशो. ठीक है, क्लियर है? आप बताओ बुशरा श्याम अलॉटेड, श्याम अलॉटेड 600 शेयर्स. श्याम अलॉटेड 600 शेयर्स. बेटा कौन से शेयर दे रखे हैं उसके? अलॉटेड. तो हमें क्या पूछेगा क्वेश्चन? अप्लाइड. क्या पूछेगा हमसे? अप्लाइड शेयर्स बताओ. बताओ श्याम ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 600 into 4 अपॉन 3 कितना आ गया बेटा? 800. बेटा हमने 4/3 क्यों करा? क्योंकि 4 हमें क्या निकालना था? और अप्लाइड का रेशियो 4 है. डिनोमिनेटर में कितना चला गया? 3. अब बेटा देखो 800 वालों को कितने शेयर मिल रहे? बेटा यहां से ये 2 0 कैंसिल आउट. 2 4 जा और 2 3 जा. बताओ कितना रेशियो आ गया? 4:3. बताओ क्लियर है? अब बेटा सबको बात समझ में आ गई कि प्रो राटा रेशो कैसे निकालते और हम अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते. हर साल क्वेश्चन एक जरूर आता है इससे, चेक कर लेना आप. और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसको आगे लेके चलते यहीं से. कोई दिक्कत है यहां तक बेटा ऑनलाइन बच्चों को? किसी को? जरीन मिज़बा बेटा बिल्कुल सही आपका. ठीक, चले आगे. ओके नेक्स्ट देखो बेटा हम यहां पर ले लेते हैं अप्लाइड शेयर से बेटा 150,000. ओके और अलॉटेड है 75,000 शेयर्स. तो पहले प्रोराटा रेशो बताओ कितना होगा?
2:1, यानी कि जिन्होंने दो के लिए अप्लाइड करा, हर दो के बदले कितने मिल रहे हैं? एक शेयर मिल रहा है, हर दो के बदले में एक शेयर मिल रहा है, ठीक है। अब जरा यहां पे समझेंगे बेटा, हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन वो है 3 रुपए का और अलॉटमेंट है 5 रुपए का। अलॉटमेंट कितने का है? 5 रुपए। शेयर कितने का भी हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया? 3 रुपए। अलॉटमेंट के साथ कितने मंगवाए? 5 रुपए, ठीक है। अब जरा समझना बेटा, राम, राम हु अप्लाइड फॉर, हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, राम हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स फेल्स, फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। बेटा राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था? 500 शेयर के लिए, और वो कंपनी को किस चीज का पैसा नहीं दे पाया? अलॉटमेंट का पैसा वो कंपनी को नहीं दे पाया, लेकिन उसने किस चीज का पैसा दे दिया होगा? एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन वाहिद एक ऐसी कॉल ऑफ मनी है जो कभी ड्यू नहीं होगी, जो डायरेक्टली क्या हो जाती है? कंपनी को रिसीव, जो डायरेक्टली क्या हो जाएगी? ऐसा कोई क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा बेटा फॉर फ्यूचर में कि पता चला एप्लीकेशन ही ना आई हो, तो एप्लीकेशन तो हमेशा क्या हो जाएगी? रिसीव्ड हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब देखो, राम हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, तो पहले तो बेटा मुझे एक बात बताओ, राम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा? तो बताओ उसने एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर पे दिया होगा? जितने शेयर के लिए अप्लाई करा उतने शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा उसने दिया होगा, है ना। तो यहां पर जरा समझेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बेटा अभी कोई लिखेगा नहीं, समझ लो पहले, पूरा प्रोराटा खत्म है इसी क्वेश्चन में, ओके। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बताओ बेटा कितने शेयर पे एप्लीकेशन दी उसने? 500। कितने रुपए की एप्लीकेशन? 3 रुपए की, यानी कि बेटा वो कंपनी को अप्लाई एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा दे चुका है? 1500। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? क्योंकि 1500 इसलिए दिया क्योंकि कितने शेयर की एप्लीकेशन लगाई थी? 500 शेयर की, और 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन दी होगी कितने की? 1500 रुपए की, ओके। उत्कर्ष, क्या इसे एक्चुअल में, उत्कर्ष क्या उसे एप्लीकेशन पूरे 500 शेयर पे ही पे करनी थी? आदित्य कितने शेयर पे एप्लीकेशन देनी होगी उसको? हमजा 1000 रुपए। हमजा कितने शेयर पे एप्लीकेशन देनी थी? जाफर कितने पर? 250। कितने शेयर पर बेटा? कैसे 250 शेयर? जरा यहां से रेशो निकाला था कितना, हर दो के बदले में कितना? एक। तो 500 अप्लाइड किए थे तो अलॉट कितने हुए होंगे उसको? कितने अलॉट हुए होंगे? 250, ओके। तो बताओ उसको एक्चुअल में एप्लीकेशन कितने शेयर पे देना था? 250 शेयर पे, ठीक है। एक्चुअल एप्लीकेशन 250 × 3, यानी कि बेटा एक्चुअल में उसे कितना पैसा देना था, लेकिन वो कंपनी को बेटा कितना पैसा देकर आया है? 1500, यानी कि वो कंपनी को क्या देकर आया? पैसे एक्स्ट्रा। कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए? 750 रुपए उसने कंपनी को क्या कर दिए? एक्स्ट्रा पे कर दिए। बताओ एक्स्ट्रा निकालना आ गया? कैसे निकाला भाई? ऐसे मत निकालो, चलो दूसरा तरीका निकाल लेते। बताओ उसने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई थी? उसे कितने शेयर मिले? यानी कि बेटा उसे 500 की एप्लीकेशन लगाई लेकिन मिले कितने? सिर्फ 250। तो कितने शेयर पे पैसा दे, ज्यादा देकर आया होगा? 250 शेयर पे। और एप्लीकेशन कितने रुपए की बेटा? 3 रुपए की। तो 250 × 3 कितना हो गया? 750। बताओ अब क्लियर है? आगे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो बेटा वो कंपनी को कितने पैसे एक्स्ट्रा देकर आया है? 750। और बेटा एक चीज मैंने आप लोग को समझाई हुई है, जरा देखो क्या चीज समझाई है। यहां देखो बेटा, जितना भी क्या आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सेस, क्या कर दो सबको, या तो रिजेक्ट या फिर क्या करो, एडजस्ट किसके साथ? बताओ उसने कितने शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था कंपनी को? 250। तो बेटा वो 250 शेयर का कितना पैसा? 750। क्या कर लो? एडजस्ट किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। तो बेटा हमारे पास जो 750 एक्स्ट्रा आया है उसको हम क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। बताओ क्या ये अलॉटमेंट दे पाया राम? नहीं। लिखा हुआ राम हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट। बेटा वो क्या नहीं दे पाया? अलॉटमेंट नहीं दे पाया। तो इसका मतलब इसके ऊपर अलॉटमेंट का पैसा क्या है? ड्यू है, है ना। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू किसके शेयर पर? ऑन ऑन राम्स शेयर। किसके शेयर पर बेटा?
राम के शेयर पर। अब देखो तो राम को कितने शेयर मिले थे बेटा कंपनी से, 250 ही तो मिले थे, और अलॉटमेंट कितने का है, तो यानी कि कितना कंपनी को अलॉटमेंट का कितना पैसा चाहिए था राम से, 1250। बेटा एक्चुअल में ये कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा देकर आया ना, कितना एक्स्ट्रा देकर आया, 750। वो क्या कर लो बेटा, जो एक्सेस देकर आया, एक्स्ट्रा देकर आया, उसे क्या कर लो, एडजस्ट, क्या कर लो उसको, एडजस्ट, कितना 750। तो बताओ बेटा अलॉटमेंट क्या अभी भी राम के ऊपर कितना पैसा ड्यू है, 500 रुपए, कितना ड्यू है, 500 रुपए, दैट इज कॉल्स इन अरियर। ये क्या है, कॉल्स इन अरियर, यानी कि 500 रुपए का अभी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है किसके ऊपर, राम के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, राम के ऊपर। बताओ क्लियर, क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोराटा, यही है प्रोराटा, इसके अलावा कुछ है नहीं प्रोराटा में। क्या पूछेगा आपसे, प्रोराटा रेशियो, कोई इंफॉर्मेशन दे देगा, कोई इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही बता रहा हूं, वो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा कंपनी इशूड 2000 शेयर्स, कंपनी इशूड 2000 शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड, यानी कि पब्लिक ने अप्लाई कर दिया बेटा 3000 शेयर के लिए, कितने के लिए, 3000 शेयर्स के लिए, ठीक है। कंपनी एक्सेप्टेड 2400 शेयर्स, बेटा कंपनी ने कितने शेयर्स एक्सेप्ट करे, 2400 शेयर्स, ओके। एक्स गेट्स 40 शेयर्स, बेटा एक्स को कितने शेयर मिले कंपनी से, बेटा आपको बताना है एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, जल्दी से बताओ सब लोग, ये तुम्हें याद है क्वेश्चन, आया था क्वेश्चन, नहीं आया था ये, है ना, वालेकुम अस्सलाम एजाज। बेटा बताओ यहां तक क्लियर है ऑनलाइन वाले बच्चे, जल्दी से बताओ, क्या कैलकुलेटर से निकाल लो, ये अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, बेटा सबसे पहले तो समझ लो 3000 शेयर की यहां पे कोई रेलेवेंस नहीं है, क्यों नहीं है रेलेवेंस, क्योंकि कंपनी ने 3000 तो एक्सेप्ट ही नहीं करे, कितने एक्सेप्ट करे, 2400, तो इसका मतलब प्रोराटा रेशियो किसके बीच में निकलने वाला है, 2400 और 2000 के बीच में, 2400 और, ओके, किससे चला जाएगा बेटे, 4 से 4 6 और 4, यानी कि क्या इंटरप्रिटेशन आ गई बेटा, जिन्होंने 6 शेयर के लिए अप्लाई करा उन्हें कितने मिल रहे, 5, तो हमें क्या निकालना है, जिन्हें 40 मिले थे उन्होंने कितने के लिए क्या करा होगा बेटा, अप्लाइड। तो बेटा मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या कि जो कैलकुलेट करो उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी के रेशियो से क्या निकालना है यहां पे, अप्लाइड, और अप्लाइड का रेशियो कितना है यहां पे, 6/5, 5 8 48 6 48 शेयर्स, बेटा 48 वालों को कितने शेयर मिल रहे, 40, बेटा किससे कैंसिल आउट हो जाएगा बताओ, किससे हो जाएगा, 8 से 8 6 और 8 5 जा, बताओ बेटा क्या रेशियो आ गया, 6:5, बताओ क्लियर है, आगे समझ में, बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, अब तो कोई मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन वहां पे सब मुश्किल होता है, वहां सब मुश्किल होता है। अकाउंट्स में कितने सही थे आपके जब दिया था, तो मतलब ज्यादातर सही थे, एक दो गलत भी होंगे, उसे घर पे आके करो तो सारे सही हो जाते ना, तो एग्जाम का प्रेशर होता बेटा, वो एग्जाम फोबिया है, मैं भी कोई पेपर दूं तो मुझे भी प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है कि हमें प्रेशर नहीं होगा, हर किसी को होता है प्रेशर, कितने बड़ा क्रिकेटर हो कहीं पे भी खेले प्रेशर उसके पास होता है, ओके। तो जब तक एग्जाम है तो बड़ा प्रेशर रहेगा, ये नहीं है कि सर एग्जाम की टेंशन हो रही है, होना जरूरी है, अब पता चला एग्जाम की टेंशन नहीं है, पड़ता बहुत लाइटली लोगे ना हर चीज को, अरे वक्त बर्बाद हो रहा है, चलो ठीक है एक साल और चला गया, अरे कहीं और प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे, नहीं है तो 3-4 साल बर्बाद कर देंगे और क्या है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा, है ना, प्रेशर होना जरूरी है, ओके। लेकिन अब भी मुझे कुछ लोगों के चेहरे से बातों से ऐसा लगता है कि उनके अंदर प्रेशर ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सब लोग ड्रॉप हो रहे हो, आप लोग एक दो को छोड़ के, क्या उस हिसाब से पढ़ाई हो रही है जो होनी चाहिए, नहीं हो रही ना, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है आपके ऊपर, देख लेंगे कितने दिन रह गए एग्जाम के, 50 दिन भी नहीं है, 50 दिन भी नहीं है, ठीक है, तो प्रेशर लेना जरूरी है,
टाइम निकालो, पढ़ाई करो, ऐसे ही नहीं चलेगा कि इधर उधर घूमने से काम चल गया सारी चीजें, पढ़ाई करने से होगा। आपको क्या लगता है ट्वेल्थ वाले आपसे होशियार है? और जितने भी वहां पे अपेयर होंगे उसमें मान लो ट्वेल्थ वाले अपेयरिंग वाले भी हैं और ड्रॉपर भी उतने होंगे, लेकिन सिलेक्शन ज्यादातर किसका होगा? ट्वेल्थ वालों का, ड्रॉपर का नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट उनके सारे स्ट्रांग है, कोचिंग वो भी कर रहे हैं, ठीक है। 5 बैच पढ़ाए ट्वेल्थ के मैंने, तकरीबन 200-250 बच्चा है, समझ रहे हो? अब देख लो कंपटीशन क्या है, 280 सीट है सिर्फ, इसलिए पढ़ाई करो। और आधा तो पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, और कितने सीरियस हो पता चल जाता है जब सुबह सुबह क्लास होती है, कितने स्टूडेंट टाइम पर होते हैं यहाँ पर क्लास में, ये पता चल जाता है। चलो क्लियर हो गए, इतना बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं। देखो बेटा, हम बात करते हैं, यहां पर लिख रहा है एक्स फेल्स टू पे, एक्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, एक्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, कैलकुलेट कैलकुलेट अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन अलॉटमेंट। बेटा एक्स किस चीज का पैसा नहीं पे कर पाया, और आपको क्या कैलकुलेट करना है कि अलॉटमेंट का कितना पैसा अभी भी उस एक्स के ऊपर क्या है, ड्यू है, यानी कि कंपनी को अभी भी एक्स से कितना पैसा चाहिए, बताओ जल्दी से। अच्छा लो ये भी बता देते हैं, एप्लीकेशन है बेटा ₹3 का और अलॉटमेंट है ₹5 का, बताओ। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए, आ गया नहीं? देखो बेटा, सबसे पहले उसने एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पे दिया होगा, जितने के लिए अप्लाई करा, कितने के लिए अप्लाई करा, 48 शेयर्स के लिए, इनटू एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 3, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 * 3 = 12, 8 * 3 = 24, 144, ठीक है। माइनस बेटा एक्चुअल में से कितने शेयर पे देना चाहिए थे, जितने शेयर इसको मिले थे, इनटू 3, कितना, यानी कि बेटा कितना एक्स्ट्रा देकर आया है, 24। बेटा एग्जाम में इतना करने की भी जरूरत नहीं होगी आपको, सिर्फ ये ध्यान रखो कितने शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा दिया, 8 शेयर पे, और एप्लीकेशन कितने की है, 3, तो यानी कि कितना एक्स्ट्रा दिया बेटा, ₹24, और अलॉटमेंट यानी कि बेटा उसको कितने शेयर मिले थे कंपनी से, तो अलॉटमेंट पे ₹5 के हिसाब से उसे कितना पैसा देना चाहिए था, 200, कितना एक्स्ट्रा देकर आया हूं, 24। बेटा अलॉटमेंट का अभी भी कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है, 176, कितना, 176, बताओ क्लियर है 176। अब ये तो कितने बच्चों का आ गया था 176, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 10 बच्चों का, और कुछ तो ऐसे हाथ भी उठा देते, बस ऐसे ही। अभी भी मैं अगर उनकी कॉपी चेक करूँ तो कर रहे होंगे कि इसमें 76 आया कैसे, नोट कर रहे होंगे, बताओ कितने बच्चे ऐसे ही नोट कर रहे हैं, अभी भी नोट कर रही हूँ ना, आप भी सोचते हो मैं कितना पहचानता हूँ आप लोगों को, है ना। क्लियर हो गया इतना, ये क्या है, प्रो रेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 69,
बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे यहां तक क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। क्या निकालना है ये भी बताएगा एग्जामिनर वहां पे? मैं टाइम पास वाला तरीका भी बताऊंगा आपको, क्योंकि कुछ बच्चे वहां पे यही करते हैं। अच्छा अब सुन लो बेटा, एक क्या दे रखे हैं उसके, तो सबसे पहले काम करो बेटा, 1 लाख इशूड करे थे, एप्लीकेशन कितनी की आई, उसमें से 30,000 क्या कर दिए, यानी कि कंपनी ने कितने एक्सेप्ट करे एप्लीकेशन और उनको कितने दे सकती है कंपनी, तो ये रेशो आ गया 6:5। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान दो, 3,000 अप्लाइड है। अब आपको देखो चार ऑप्शन है ना, इन चार ऑप्शन को पुट करके देखो, 3,000 वालों को हमने माना कितने मिल रहे हैं, 3600। 3,000 वालों को कितने मिल रहे हैं, 3600। तो बेटा सबसे पहली चीज तो ध्यान करो, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ना, तो 3600 इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। भाई साहब कैसा कर रहा हूं आंसर 3600? ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? अगला, 4500 भी नहीं हो सकता, 4500 भी, यानी कि बी और सी आंसर नहीं हो सकते। क्लियर इतनी बात? अब बेटा 3000 और 2000 अगर इसका रेशियो निकाले तो 3:2 आता है, ये भी नहीं आंसर। अगर 3000 के साथ में कितना पुट करूं बेटा, 2500, तो बेटा हमारे पास रेशो भी कितना आएगा, 6:5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। समझ में आ गया? इस मेथड को बोलते हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, उससे भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्लियर है? हमारे पास रेशो निकालना है ना, कितना रेशो चाहिए हमें, 6:5 का रेशो, और बेटा आंसर में एक ही ऑप्शन ही तो सही होगा, तो 6:5 का रेशियो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में, और कुछ बच्चों का बी में भी बन सकता है। हाँ, 3600 को पहले रख दो, तब कि 3600 कौन से शेयर है, वो अप्लाइड या अलॉटेड? देखो अप्लाइड, क्वेश्चन को समझना भी एक आर्ट है, अंडरस्टैंडिंग इज एन आर्ट एंड एवरीवन इज नॉट एन आर्टिस्ट। ठीक है, समझ गए? क्लियर है इतनी बात? आगे सबको समझ में? लेकिन आदित्य अभी भी सोच रहे हैं मेरा 3600 कैसे गलत बता दिया सर ने, है ना, ये तो कह रहे हो तुम, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि तुमने क्या लिखा है, तुमने ऐसे लिखा है ना, यहीं से बता दिया मैंने। ठीक है भाई साहब, चलो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70। हा मिसबा, बिल्कुल सही है बेटा आपका, ऑप्शन डी है क्वेश्चन में। बताओ आसिफ भाई, जो तुम कह दोगे वो मान लूंगा। अच्छा कैसे? आंसर तो एक बार में निकल जाएगा आपका, फिर अमाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई एक बात देखो, 10,000 शेयर अलॉटेड है और 400 शेयर क्या है अप्लाइड,
तो बेटा यहां पर अगर आप रेशियो निकालोगे तो पहले अप्लाइड रखा और उसके आगे क्या रखा आपने, अलॉटेड। तो बेटा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, 2 7 और 2, तो रेशियो आ गया 7:5 का। किसका आ गया, 7:5। अब 7:5 बेटा क्या कह रहा है, कितने शेयर्स एप्लीकेशन कितने की, एफ ने कितने के लिए अप्लाई करा, बेटा क्या है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, कितने शेयर अलॉट हुए, एंड द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी। यानी कि बेटा अगर एफ ने कंपनी को ज्यादा शेयर्स पे पैसा दिया है तो वो क्या होगा, पैसा ज्यादा एडजस्ट किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। तो जितना पैसा एडजस्ट हो रहा है यानी कि कैरीड फॉरवर्ड हो रहा है वो अमाउंट आपको बताना है, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको क्या चीज समझाई थी, तो देखो हमारे पास सबसे पहले 420 है ना, 420, तो बेटा 420 और 60 को रखोगे तो 7:1 का रेशो आता है, तो यानी कि ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास 420 शेयर है ना, और 340 हमारे पास क्या है, अलॉटेड। बेटा यहां से कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा किससे, अगर मैं 2 से भी कैलकुलेट करूं से ये 4 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा 4 से ये नहीं जाएगा, इसे 2 से ही कर लेते हैं, तो 2 से 14 और ये हो जाएगा 2 से कितना 17, तो यानी कि बेटा ये भी आंसर नहीं हो सकता, कौन सा आपका बी। तीसरा कितना, 420 और 320, ओके बेटा किससे चला जाएगा ये, 4 से 4 नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 2 से ही कर लो, तो ये कैंसिल कर दिया इसको 0 से, ठीक है, ये कितना बचेगा 21 और कितना 16, तो बेटा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट कितना, 420 और 300, बेटा 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 7 और 6 5 क्या हो जाएगा बेटा डी। और एक बार में अगर आंसर चाहिए तो कैसे निकालोगे, 420 इनटू 5/7, क्यों बेटा, क्योंकि निकालना क्या है अलॉटेड, और अलॉटेड का रेशो 5, 7 6 और 6 5 कितना 300 शेयर। अब मान लो यहां पर 300 शेयर किसी और ऑप्शन में होते, 300 शेयर किसी और ऑप्शन में होते तो बड़ा आंसर वहां पे और कुछ और हो सकता था, दो ऑप्शन आ गए ना आपके पास, यहां पर 300 शेयर किस सिर्फ किस में, एक ही ऑप्शन में। तो बेटा एक बात बताओ, अप्लाई कितने के लिए करा था, 420, अलॉट कितने हुए 300, कितने शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि कितना 240, क्लियर है, 300 शेयर और 240 रुपए, ठीक है। और अब भी पता है जब आपका गलत होता है फिर अब भी आपस में बात करते, बस इतनी सी मिस्टेक थी, पूरा सही था, फिर आंसर डी क्यों नहीं आ रहा था, फिर उसके बाद चेंज कर रहे थे ना आंसर को, फिर भी आप अपने आप को होशियार समझते हो ना, मतलब पता है इसमें भी क्या है, जैसे ए बी सी डी है, मान लो उसका आंसर है ए, आप लगाया बी, तो आपको लगता है तो इसके नजदीकी तो था, बस इतनी सी मिस्टेक थी मेरे से, बिल्कुल पास में लगाया था मैंने, बताओ क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला 71 अच्छा लो जी सर, ये क्वेश्चंस तो सेकंड्स में होने चाहिए बेटा, पढ़ते पढ़ते हो जाए। बेटा रेशो कितना आ रहा है आसिफ, प्रोराटा रेशो कितना आ रहा है, प्रोराटा रेशो 4:3, प्रोराटा रेशो कितना, और बेटा क्या दे रखा है, 1200 क्या है अलॉटेड है, अप्लाइड निकालना है तो 4/3, 3 4 12, 4 4 16, ऑप्शन सी, बताओ क्लियर है। अभी भी एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है क्या, अच्छा रेशो में कैसे, बाद में मैं नहीं बताता, बाद में फिर अलग से पैसे लेता हूं, जो पूछना ही पूछ लो, एक्स्ट्रा क्लास के एक्स्ट्रा चार्जेस, और एक ये बाजी बैठी हुई है हमारी, बाजी नहीं हो फिर क्या, बाजा हो है? पंखा खोल दू, अच्छा इस वजह से नहीं समझ में आ रहा आपके, अच्छा और देखो गिर गया मेरी गारंटी नहीं है, हाँ बस ध्यान रखना, हाँ
देखो पूछ लो ये बैठे हुए, लेकिन हाँ उस टाइम कोई बच्चा नहीं था, मतलब उसके थोड़ा सा यहाँ लगा था। अब कोई बात नहीं, चलते हुए ऐसे गिर जाए आपकी तरफ। इसीलिए मैंने सारे पंखे बंद करवा दिए थे पहले, नहीं इस पे नहीं गिरेगा। हाँ जी बाजी बताओ क्या आ रहा है आंसर, कैसे? अच्छा वैसे एक बात हो, पता है एक चीज समझो, देखो सुनो, जैसे पता है आप लोग क्या करते हो, आपने लिखा पहले 80,000, फिर लिखा आपने 60,000, पता है क्या करते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब करा था नहीं करा था आपने, सच बताना नहीं करा, तो ऐसे कर दिया होगा पर। और जब आप लोग क्लास 12th में भी थे ना, पता क्या करते थे, जैसे कोई अकाउंट बनाना ना अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट लिखे हुए, यहाँ पे 20,000 30,000 ठीक है 40,000 जो भी है, पर आप पता यहाँ पे टोटल नहीं करते थे कभी भी, कॉपी के पीछे जाते थे, कॉपी के पीछे, फिर दोबारा से लिखा 20,000 है ना, फिर लिखा 30,000, फिर लिखा 40,000, मान लो ऐसी, फिर जीरो ऐसे करके ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे जब आते थे टू टू और थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स हाँ तीन और दो पाँच चार नौ, फिर आप कन्फ्यूज, अच्छा 9 लिख दिया, फिर 2-3 बार उसको और टोटल किया करते थे, तो कितना समझता हूँ आपको है ना। बेटा ये मत कह रहे इतनी खराब नहीं थी, इतनी ही थी और इससे ज्यादा थी, क्योंकि जाफर है? चलो जी क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 जो सबसे पहले आंसर करेगा एक चॉकलेट उसकी, ये रख दी पैसे मैंने है? वो भी दे सकते लेकिन फिर वो 250 वाला क्वेश्चन होगा। तुमने आंसर कर दिया जी है ना, एक दो आंसर आ गए हमारे पास। हाँ अगर थोड़ा आसपास होगा तो रैपर चटवाने के लिए दे दूंगा तुम्हें, सही है जिसको मिलेगी चॉकलेट। बस करें सवाल, ठीक है जी। देखो भाई दो बच्चों ने आंसर करा अभी तक मेरे पास, ओके चलो देखते हैं। बेटा अ कंपनी ऑफर्ड कितने शेयर, एक शेयर कितने का, एप्लीकेशन पे कितने रुपए, अलॉटमेंट पे 5, एंड द बैलेंस ऑन, यानी कि कितना बचा बैलेंस, 2 रुपए, कितना बचा 2 रुपए है ना। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, बेटा एप्लीकेशन कितनी गई, एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा देखो हमारे पास कंपनी के पास कितने शेयर्स पर ज्यादा एप्लीकेशन आ रही है, 10,000 ओके, इंटू तीन कितना 30,000, और भाई साहब आप जब भी एडजस्ट करते हैं एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा आता है उसको किसके साथ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट के साथ, और आपने मल्टीप्लाई किससे करा था, अलॉटमेंट की मनी से, और तब की मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, बड़ा पैसा एक्स्ट्रा कब आया एप्लीकेशन पर, चलो ऐसे नहीं समझो अलग तरह से समझा रहा हूं, देखो समझना बेटा, बताओ कंपनी के पास, बताओ कंपनी के पास कितने शेयर पे एप्लीकेशन आई थी, कितने शेयर्स इशूड थे 50,000, कितने शेयर इशूड थे 50,000 है ना, 50,000 शेयर्स इशूड, और एप्लीकेशन कितने की आई 60,000 शेयर्स की, ठीक है ओके। अब बताओ यहां पर जरा समझेंगे, एप्लीकेशन 60,000 शेयर पे आई ना, इनटू कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, कितना 1,80,000, ये बात समझ में आ गई सबको, बताओ बेटा इनको कितने शेयर अलॉट हो सकते हैं, 50,000 60,000 वालों को कितने होंगे,
यानी कि बेटा इसको 50,000 शेयर पे ही तो देना था पैसा, कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, कितना 1.5 लाख, कितना एक्स्ट्रा देकर आया 30,000, मतलब आ गया 30,000, क्लियर है? तो 30,000 इज द करेक्ट आंसर। चॉकलेट चाहिए 20 रुपए, चॉकलेट रिक्शे के पैसे तो नहीं चाहिए, अच्छा ठीक अभी मंगवाते। नदीम भाई एक चॉकलेट ले आना जरा 20 रुपए वाली, ठीक है, क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया, क्या गलती करी थी समझ में आ गया, ठीक है। एक और 10 रुपए वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, और एक मिनट रुक जाओ, मिनट मतलब कितने मिनट का है इतनी देर में तुमने जो क्वेश्चन देख लिया वो है ना, देखो देखो कैसे पढ़ रहे हैं वो, हमजा को देखो, तो अभी तुक्के लगा क्या हो गए, ये तुक्के वाली वीडियो देख रहे हो आजकल ज्यादा, एक मिनट से ऊपर का टाइम हो चुका है, कैसे तो कलर बी सी डी, अच्छा सबसे पहले हुआ है? वैसे तुम्हारा सही लग रहा है मुझे, देखो दस दस वाली हैं दो लीजिए, और रैप खा के एक चॉकलेट उनको रैपर दे, उसमें भी खुश हो ना तुम, है ना, हाँ क्या तुम्हें चाहिए रैपर, फिर ऐसे क्यों कर रहे थे, चलो इधर देखो, लेट्स सी, ठीक है चलो बेटा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कंपनी इशूड कितने शेयर, कितने शेयर बेटा 4,000, है ना, अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एक शेयर कितने का है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बेटा एप्लीकेशन कितने की आई 13,000, एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स फॉर, यानी कि बेटा 13,000 शेयर्स नॉट रेलेवेंट, ओके प्रोराटा रेशियो किसमें होगा 10,000 और किसके बीच में 4,000 के बीच में, ठीक है 10,000 और 4,000 के बीच में बेटा प्रोराटा होगा। आगे कह रहा हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल, एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, देखो समझेंगे यहां पर, हमारे पास बेटा देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर समझना 4,000 शेयर्स थे ना, और एप्लीकेशन कितने की थी 3 रुपए की ना, कितना 12,000, ठीक है, बट एप्लीकेशन बेटा कितने की आई 10,000, एडजस्ट कितने कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने बाकी के तो वापस कर दिए थे ना, है ना, 10,000 इंटू 3 यानी कि कितना 30,000, बेटा 30,000 में से हमारे पास 12,000 तो एप्लीकेशन के एडजस्ट हो गए, कितने एक्स्ट्रा आए 18,000, ये बात समझ में आ गई 18,000 माइनस अलॉटमेंट वाले, बताओ कितने अलॉट हुए शेयर 4,000, और अलॉटमेंट कितने का एक 2 रुपए का, यानी कि कितना 8,000, अभी भी स्टिल एक्सेस कितना बचा 10,000, एक्सेस कितना बचा माइनस फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की थी बेटा 4,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है चेक कर लेते एक मिनट, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल है बेटा हमारे पास कितने की 4 रुपए की, फर्स्ट कॉल है कितने की 4 रुपए की, ठीक है
अरे यहाँ से चला ही गया वो, प्रीवियस नहीं, मैं इसको करूँगा अंडू रेडू, प्रीवियस है नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना था अभी भी 10,000, 10,000 बच रहा था ना हमारे पास, ओके नहीं 18,000 में, तो 8,000 उसका हो गया, 10,000 अभी भी स्टिल था, माइनस माइनस कितना फर्स्ट कॉल का 4,000 इंटू 4 कितना 16,000, कितना 16,000। बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा था पहले ये देखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है देखो, नहीं जाएगा क्वेश्चन ने, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, देखो क्या पूछा है बेटा, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। बेटा फर्स्ट फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा रिसीव्ड होगा बताओ, फर्स्ट कॉल कितने की आनी थी 16,000 की, ऑलरेडी कितने की आ चुकी थी 10,000 की, बताओ कितनी आनी थी 6,000, ऑप्शन ए किसका, वैसी पड़ोसी भी कुछ और कह रहे, देखो 6,000 तो यहां किसी की आवाज ही नहीं आई। अच्छा चलो लो लो, लड़ो मत, 10 रुपए ले लो है, 10 रुपए बेटा 10 रुपए का था ये क्वेश्चन, लो लो क्या 10 रुपए दे दिए। अब जरा समझा रहा हूं क्वेश्चन को, समझ लो एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों के ओवर में हेड चला गया है। इधर देखो बेटा क्वेश्चन, इधर देखो जरा, हमारे पास समझो बेटा, देखो हमारे पास कितने, इधर देखो बेटा बात नहीं, हमारे पास 10,000 शेयर ही तो एक्सेप्ट हो रहे, और एप्लीकेशन और अलॉटेड कितने थे 4,000, बताओ कितने शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है इनटू, और एप्लीकेशन कितने की है 3 रुपए की, बेटा एप्लीकेशन के टाइम कितना एक्स्ट्रा आ गया 18,000। अब बताओ इस 18,000 को बेटा हम क्या करते हैं, एडजस्ट किसके साथ, अगर अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट होने के बाद बच गया फिर किसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉल के साथ। अब बताओ अलॉटमेंट बेटा कितने शेयर अलॉट हुए थे, और अलॉटमेंट कितने का था 2 रुपए का, यानी कि बेटा कितना एडजस्ट और कर लेंगे, तो 18 में से 8 अलॉटमेंट का और एडजस्ट कर लिया, अभी भी स्टिल कितना बचा बेटा 10,000 अभी भी एक्सेस बचा, ओके फर्स्ट कॉल ड्यू, मतलब बेटा फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल कितने शेयर की पे 4,000, कितने रुपए की, यानी कि कितना 16, बेटा 16 में से ऑलरेडी कितना आ चुका है 10, तो बताओ कितना पैसा रिसीव्ड होगा फर्स्ट कॉल के टाइम पर, कितना 6,000, कितना होगा 6,000, बताओ क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, क्या पैसे निकाल लूं, इस बार संडे को जो टेस्ट है परसों उसमें गोल्ड मेडल और 101 रुपए का कैश प्राइज, एक चैप्टर है, कितने इंटरेस्टेड हो गए है ना, ये लालच सही है फिर तो, पहले तो ये ध्यान दो टेस्ट तभी होगा जब सारे बच्चे आएंगे। अब मुझे नहीं पता अपने दोस्तों को कन्विंस आपको करना है, किसी ने अगर छोड़ो, हाँ यही तो बात है, है? हर टेस्ट में देखो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, अ कंपनी इशूड कितने शेयर 4,000, और आगे क्या इंफॉर्मेशन है, कितने का शेयर है, एप्लीकेशन पे कितने रुपए 3, अलॉटमेंट पे, यानी कि बेटा सेम वही क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन कितने की आई, यानी कि बेटा वहां पे कितने थी 14,000 थे लेकिन 13,000 थे लेकिन कुछ वापस भी तो कर दिए थे, बस इंफॉर्मेशन सेम है। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोरटा, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन अलॉटमेंट, निल। बेटा अभी क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो, क्या अलॉटमेंट पे सारा का सारा किसके टाइम पर आ गया था पैसा एक्स्ट्रा,
एप्लीकेशन के टाइम पर, तो अलॉटमेंट के टाइम पर कोई भी पैसा रिसीव्ड नहीं होगा। तो किसी का आ रहा था नील? हाँ तुम्हारा था, लो 10 रुपए पहुंचा था नंद तक है? अरे 101 और प्लस गोल्ड मेडल, बच्चे बड़े होता आप लोगों को बता दूंगा। मतलब यहां तक क्लियर बेटा, नील कैसा आया? अभी करके भी दिखाऊं क्या? नहीं दिखाऊं ना, क्योंकि एप्लीकेशन पे कितना एक्स्ट्रा आ गया था 18,000, एप्लीकेशन पे कितना एक्स्ट्रा आया था और अलॉटमेंट कितना ड्यू था 4,000 × 2 यानी कि कितना 8,000। तो अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी किसके साथ रिसीव हो चुका है? एप्लीकेशन के साथ। तो अलॉटमेंट कोई भी रिसीव्ड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट। दैट इज कौन सा बचा बताओ? फॉर फ्यूचर। क्या बचा? फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो हेडिंग लिखो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, बड़ा फॉर फ्यूचर मींस कैंसिलेशन। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। बड़ा ओनरशिप को क्या कर देना? ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्ड अप मनी। बड़ा किसकी वजह से? कॉल्ड अप मनी पे ना करने की वजह से बड़ा कंपनी ओनरशिप को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। हर कंपनी बेटा शेयर्स को फॉरफिट नहीं कर सकती जब तक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर गिवन ना हो। और ध्यान दो, जब भी बेटा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट होंगे, देन हम रेफर करेंगे टेबल एफ को। किसको रेफर करेंगे? इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट ऑफ अ कंपनी, देन वी रेफर टेबल एफ। तो बेटा क्या रेफर करेंगे? टेबल एफ को रेफर करते। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, हायर क्लासेस में आया है, हो सकता है देखो क्वेश्चन पेपर कहीं से भी बन जाए, तो ध्यान दो, क्वेश्चन ही पूछ ले, व्हेन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट, देन वी रेफर। किसको रेफर करेंगे? टेबल एफ को, ठीक है। अभी टेबल एफ क्या है, ये आपके लिए नहीं है, इतना ध्यान रखो। जैसे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या अप्लाई होता था? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या अप्लाई होगा? प्रोविजन किसके? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्या अप्लाई होते थे? प्रोविजन। और वो प्रोविजन क्या कहते थे? पार्टनर्स के बीच में क्या होगा? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होगा? देखो अभी कह रहे 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा? जीरो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? जीरो। चॉकलेट वापस ले लूं मैं? हाँ, लोन वो भी जो किसने दिया? पार्टनर ने किसको? फर्म, ठीक है, क्लियर। अब बेटा फॉर फ्यूचर पे सबसे पहले हम करेंगे फॉरफिट। देखो शेयर्स फॉरफिट कैसे होते हैं, और रिपीटेडली बेटा एक क्वेश्चन आया है। देखो सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होता है? कॉल्ड अप। कौन से अमाउंट से? और रिपीटेडली बेटा एक क्वेश्चन आया हुआ है, चेक कर लेना आप। व्हेन शेयर्स आर फॉरफीटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय विच अमाउंट? कौन से अमाउंट से? कॉल्ड अप। कौन सा अमाउंट? कॉल्ड अप का मतलब जो पैसा कंपनी ने पब्लिक से मंगवाया है, ठीक है। टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, यानी कि बेटा वो पैसा जो शेयर होल्डर कंपनी को क्या कर चुका है? पेड कर चुका है। और यहां पे आ जाएगा टू अनपेड कॉल्स या फिर कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है, क्लियर है जी। तो बेटा व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड, ठीक है। दूसरा बेटा नोट मत करो क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है आपको नोट करने की। अगला बेटा, जो शेयर फॉरफिट हो गए उन शेयर को कंपनी क्या कर सकती है? रीइशू। अब बताओ क्या फॉरफिटेड शेयर्स, क्या शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते? नहीं। स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकते। क्या फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते? यस, फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पर इशू हो सकते। अब हम रीइशू कर रहे हैं, तो रीइशू करके बेटा क्या आएगा कंपनी के पास? पैसा। कहां आएगा पैसा? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा देखो, मान लेते 10 रुपए का शेयर है, रीइशू कितने में हो रहा है? 8 रुपए में। तो बेटा कितने का नुकसान हो रहा है? 2 रुपए। तो बेटा वो नुकसान भी कौन से अकाउंट में जाता है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। कितने रुपए? 2 रुपए, ठीक है। अगला, तीसरा बेटा, तीसरा हम शेयर फॉरफिटेड का पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। ओके, ये चीज तो बेटा आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। बताओ क्या कंपनी रेगुलर बेसिस पे शेयर को फॉरफिट करेगी? कभी कभी
तो बेटा कभी कभी जब फॉरफिट करेगी तो प्रॉफिट भी कभी होगा, कभी कभी होगा। और बेटा कभी कभी वाले प्रॉफिट को क्या बोलते थे? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट से क्या बनते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसलिए बेटा शेयर फॉरफिटेड का पैसा कहां पे चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो बेटा ये भी सवाल रिपीटेडली पूछा गया है कि जो फाइनल बैलेंस बचेगा शेयर फॉरफिटेड का वो कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इस पूरे जो तीन मैंने एंट्री लिखी है इसमें से आपको बेटा दो तीन बातें सीखनी है। सबसे पहला, when shares are forfeited, जब भी शेयर फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होगा? कॉल्ड अप। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और जब भी शेयर फॉरफिट होंगे तो फॉरफीचर में कौन सा अकाउंट, कौन सा अमाउंट आएगा? पेड अप। लिखा हुआ देखो, शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, कौन सा अमाउंट आ रहा है? पेड अप। ठीक है, अगला, जब भी शेयर फॉरफिट होंगे तो शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। इसके अलावा बेटा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, एंट्री करते वक्त जब भी आप क्वेश्चन में अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आपको एंट्री करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कैसे। यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो फिर अभी से फिर से समझना, और फिर भी ना आए तो फिर पूछना आप लोग। ठीक है, अब देखो बेटा, हम यहां पे एक क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी इशूड, ओके, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड कितना? 500 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹10 each, ₹8 has been called, out of which shareholder fails to pay first call of rupees 2 per share. These shares were reissued to Sanjay. These shares were reissued to Sanjay at the rate 7 per share as fully paid. बेटा जरा क्वेश्चन को पहले समझेंगे। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने कितने शेयर को फॉरफिट करा है? 500 शेयर को। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? उस ₹10 में से बेटा कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए? ₹8। ठीक है, बताओ किस चीज का पैसा नहीं मंगवाया कंपनी ने? मुझे उम्मीद थी तुम यही आंसर करोगे। कौन सी? सेकंड एंड फाइनल कॉल। और बेटा कहां तक मंगवाया था कंपनी ने? फर्स्ट कॉल तक। कहां तक मंगवाया था? क्या वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे पाया? कितने? नहीं दे पाया। कितने रुपए? ₹2। ओके, अब बेटा वो ₹2 नहीं दे पाया, कितने में से दो नहीं दे पाया? 8 में से। कितने में से? क्योंकि ₹2 कंपनी ने अभी तक मंगवा ही नहीं, तो कितने में से दो नहीं दे पाया? 8 में से। तो कितने दे चुका होगा? 6 अप टू द अलॉटमेंट। कहां तक दे चुका होगा? कैसे पता चला अलॉटमेंट तक दे चुका होगा? क्योंकि कौन सी कॉल नहीं दी? फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, क्लियर है? अब इन्हीं शेयर्स को बेटा क्या कर दिया गया? किसको? कितने रुपए में? एस फुल्ली पेड, यानी कि शेयर था कितने का बेटा? फुल्ली पेड का मतलब क्या है? ₹10 का शेयर। कितने में रिशू हो रहा है? ₹7। ठीक, क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई। अब देखो एंट्री देखो बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ बेटा कितने शेयर है? 500। कौन सा अमाउंट बताया था मैंने लेने के लिए? कॉल्ड अप। और बेटा कॉल्ड अप कितना है? ₹8। यानी कि कितना? 4000। टू शेयर फॉरफिटेड, बेटा 8 में से कितने नहीं दे पाया था? कितने दे पाया? 2। कितने दे दिए होंगे? 6। बेटा उन्हीं को जो दे दिए यानी कि पेड, उसको क्या कर लो? फॉरफिट कर लो। और टू अनपेड कॉल्स, यानी कि कौन सी कॉल नहीं दे पाया? फर्स्ट कॉल। 500 × 2 कितना? 1000। बताओ ये पहली एंट्री सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? अगला सेकेंड एंट्री, बेटा क्या करो इन शेयर्स को? रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है? 500। कितने रुपए पर रीइशू कर रहे हैं? कितना? 3500। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 500। फुल्ली पेड का मतलब शेयर था कितने का? 10। यानी कि कितना बेटा? ₹10 वाला शेयर कितने का रीइशू हो रहा है? 7। तो ₹3 पर शेयर का क्या हो रहा है? लॉस। तो वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। 500 × 3 कितना? 1500। ये हो गया बेटा एंट्री नंबर 2। क्लियर? एंट्री नंबर 3,
यानी कि शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस हम कहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व में। बताओ कितने का फायदा था और कितने का नुकसान, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना बचा? 1500। बेटा कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? ओके, टाइम पास नहीं करना बेटा एग्जाम में, एग्जाम में टाइम पास नहीं करेंगे, शॉर्टकट। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये, बताओ कंपनी इस क्वेश्चन में कितने रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है? 6। वो तो बेटा 8 क्या था? कॉल्ड अप था। ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुकी है? 6 रुपए। समझ लो कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड 6 रुपए। मुझे एक बात बताओ, ये शेयर एक्चुअल में था कितने का? एक्चुअल में 10 का। कितने का शेयर था? 10 रुपए का शेयर था। कितने ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है? 6। तो बेटा अब मुझे बताओ, 10 रुपए की जगह पर कंपनी 6 रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो ये शेयर मिनिमम कितने का रीइशू हो सकता था? 4 रुपए का। कितने का हो सकता था? अब ये 4 रुपए पे क्वेश्चन बन सकता है, मिनिमम रीइशूड प्राइस पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या मिनिमम रीइशूड प्राइस? तो मिनिमम रीइशूड प्राइस कैसे निकालोगे? शेयर की फेस वैल्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। तो शेयर था कितने का? 10, और उसमें से ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुके हो? 6। तो यानी कि कितना बचा? 4। तो बताओ बेटा ये शेयर मिनिमम कितने का रीइशू हो सकता था? 4 रुपए का। ये बात सबको समझ में आ गई? बट कंपनी बेटा कितने का रीइशू कर रही है? 7। कितने का रीइशू कर रही है? 4 रुपए का, जो कर सकती थी कितने में कर रही है? 7 रुपए में। तो बताओ कितने का फायदा हो रहा है? 3 रुपए का। कितने का फायदा? कितने शेयर पर? यानी कि मल्टीप्लाई हमेशा कर रहा रीशूड, और रीशूड कितने हो रहे? 500। बेटा कितना आंसर आ गया? 1500। कितना आंसर आ गया? 1500। बताओ क्लियर है? क्लियर है या नहीं? नहीं है क्लियर? एक बार और, ठीक है जी तुम समझो। तरीके बहुत सारे, समझो जरा। प्रॉफिट ऑफ, अब मैं तरीका चेंज कर रहा हूं समझाने का, प्रॉफिट ऑफ वन शेयर। बताओ उत्कर्ष, कंपनी ऑलरेडी कितना पैसा रिसीव कर चुकी है? कितने का प्रॉफिट ले चुकी है शेयर होल्डर से? 6 रुपए का। तो प्रॉफिट ऑफ वन शेयर, यानी कि एक शेयर पे प्रॉफिट कितने का हो गया? 6 रुपए का। क्लियर है? माइनस लॉस ऑफ वन शेयर, लॉस ऑफ, बताओ ये शेयर था कितने का? 10 रुपए का। कितने का रीइशू कर रही थी? 7 रुपए का। कितने का नुकसान हो रहा है? 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए बचे? 3 रुपए। ओके, और कितने शेयर पे कितना हो जाएगा जी? 1500। आ गया आंसर 1500। हो गया सवाल? अब क्या बताऊं बताओ, मतलब चीजें आसान कर दी तो ऐसे क्यों देख रहे हो दूसरों को? या वही सही एंट्री वाला? समझ में आ गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 बेटा मैं समझा रहा हूं, है ना, शॉर्टकट से बिल्कुल समझना। बेटा कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और एक शेयर कितने का है? कितने कॉल्ड अप है, यानी कि अब इस 100 की कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अब बेटा वही समझो, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय विच अमाउंट? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? 70। ऑन विच महेश हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना? 50। कितने में से 50 पे कर चुका है? 70 में से। कितने में से? अब इस 600 में से बेटा कितने शेयर रीशूड हो रहे हैं? किसको? एस फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का शेयर था कितने का? पूरा 100। कितने पर रीशू हो रहा है बेटा? अब एक बात बताओ, 100 रुपए का शेयर 110 पर रीशू हो रहा है, क्या इस पर कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है ना, लेकिन फायदा जरूर है कितने का? बेटा ये फायदा कौन से अकाउंट में जाएगा ये बताओ पहले तो। एसपीआर। किसमें? एसपीआर में। और एसपीआर का पैसा कभी भी फॉरफिटेड में नहीं आता, क्योंकि वो कितनी जगह यूज कर सकते उसको? 5 जगह। ये तो पढ़ाया था अभी परसों की क्लास में, है ना? ठीक है, तो बेटा अब हमें यहां पे कोई मतलब नहीं, यानी कि लॉस हमें नहीं हो रहा है। अब बताओ कितने का फायदा?
क्या किस चीज का 10 का तो प्रीमियम है, जितने रिसीव कर लिए उतने का ही तो फायदा, कितने रिसीव कर चुकी कंपनी, 50 रुपए, ओके। और कौन से शेयर पे प्रॉफिट निकालते हैं, रीशूड, और रीशूड कितने हो रहे हैं, 400, बेटा कितना हो जाता है इस कैलकुलेशन से, 20,000, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब समझो कंपनी ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुकी है, अरे क्या 70 यार, कितना 50। अब मुझे एक बात बताओ, जब 100 रुपए के शेयर के बदले कितना रिसीव कर चुकी है, 50, तो मिनिमम कितने का रीशू कर सकती थी, 50 रुपए का, लेकिन रीशू कितने में कर रही है, तो क्या रीशू करने में कोई लॉस है, नो, तो यानी कि 50 का प्रॉफिट माइनस 0 का लॉस, कितना बचा, 50 रुपए, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमेशा रीशूट शेयर से, और रीशूट शेयर कितने, 400, तो बेटा कितना आ गया आंसर, 20,000, कितना आ गया आंसर, 20,000। अब ये मत देखना सर फॉरफिट तो 600 शेयर हुए थे, फॉरफिट 600 हुए, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितने शेयर पे होगा, जितने आपने क्या करें, रीशूट करें, दोबारा से बेचे कितने आपने, 400, तो उसी पे तो फायदा होगा, तो बेटा उसी शेयर पे हमने निकाला 400 शेयर पे कितना, 20,000 रुपए का प्रॉफिट, क्लियर है, ओके। अगला सवाल, अब देखो ये देखो, इफ अ शेयर ऑफ रुपीज 100, बेटा कितने का शेयर है, ऑन विच रुपीज 60 हैज बीन, बेटा 100 रुपए के शेयर में कितना ऑलरेडी पे कर चुके, 60। अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये शेयर कंपनी रीशू करे तो मिनिमम कितने का रीशू कर सकती है, 40 रुपए का, मिनिमम कितने का कर सकती है, 40। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, मैं दो सवाल बताऊंगा आपको, दो चीजें, और उसे दो चीजों को सवाल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज, ये शेयर था कितने का, 100, कंपनी ऑलरेडी कितना रिसीव कर चुकी है, 60। सो व्हाट इज द एमआरपी, एमआरपी मींस मिनिमम रीशूड प्राइस कितना, 40। ये सबको समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरा, इन दिस क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है कंपनी, 60 का, क्यों दे सकती है, क्योंकि जितना क्या कर लिया उसने, रिसीव कर लिया, जितना क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, उतने का क्या दे सकती है भाई, एक बात हो, जब मिनिमम 40 का रीशू कर रही है तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकती है, 60 रुपए का, समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन, इट कैन बी रीशूड एट द मिनिमम प्राइस, कितने का मिनिमम रीशू कर सकती है, 40 रुपए का, कितने का, 40, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, बताओ क्लियर है, ओके। दो चीजें समझेंगे बेटा, क्या एमआरपी, व्हाट इज एमआरपी, मैक्सिमम रीशूड प्राइस, तो मैक्सिमम रीशूड प्राइस कितना, ओके, या सॉरी एमआरपी मिनिमम, मिनिमम रीशूड प्राइस कितना, 40, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना, 60, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, बेटा शेयर कितने है? और एक शेयर कितने का, कितने पैसे आ चुके पेड कर दिए, 5। अब जरा सोचो बेटा, 5 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, और शेयर था कितने का, शेयर था कितने का, 10 रुपए, 700 नहीं, 700 तो शेयर है, कितने का था शेयर, तो बताओ मिनिमम कितने का रीशू कर सकती है कंपनी, 5 रुपए का। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा, 5 रुपए का मिनिमम रीशू कर सकती थी, बट रीशू कितने का कर रही है, 9 रुपए का, तो बेटा कितने का फायदा, 4 रुपए पर शेयर का फायदा है या नहीं, और हम फायदा कौन से शेयर पे निकालते हैं, फॉरफिटेड या रीशूड, और रीशूड शेयर्स कितने, तो बेटा कितना हो गया, 800 है ऑप्शन में, क्या आ गया आंसर, ए, बताओ क्लियर है। एक और एक दो, इन दो बच्चों को छोड़कर कोई ऐसा बच्चा नहीं जो 12th में मेरे पास पढ़ा हो, ठीक है, क्या आपको बेटा ये चीज सिखाई गई थी, नहीं, ये चीज नहीं सिखाई जाती, ओके, समझ में आ गया, क्लियर हो गए, किस तरह से बेटा शॉर्टकट से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ में आ गया, ओके, हाँ बोलो, अच्छा, हाँ बताओ क्या समझ में नहीं आया, इसमें 50 कैसे आया था, ये 50 ऐसे आया, यहाँ लिखा हुआ 50, बेटा ये बताओ ऑलरेडी कितना आ चुका है कंपनी के पास, 50 आ चुका है, अब ये शेयर मिनिमम कितने का रीशू कर सकती थी कंपनी, 50 रुपए का, बट रीशू कितने में कर रही है, अब ये प्रीमियम पर रीशू हो रहा है ना, ओके, तो क्या प्रीमियम का पैसा कभी फॉरफीचर में जाएगा, नहीं जाएगा, तो रीशू करने में कोई नुकसान है क्या, कोई नुकसान नहीं है, तो कितने का फायदा था, पूरा 50 रुपए का,
कितने का फायदा था, क्योंकि वो तो बाकी प्रीमियम है ना, और प्रीमियम को हम कंसिडर यहां पर नहीं करेंगे। कितने का फायदा था, 50 रुपए का। ठीक है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन था 800 वाले समझ में आ गया। चलो अब जल्दी से 110वां क्वेश्चन आप लोग करेंगे जल्दी से, और बेटा मैं चाहता हूं कि 20 सेकंड में आपका आंसर आए, 20 सेकंड में। लो घड़ी भी तुमने हटवा दिया ना, अच्छा ऊपर आ गई घड़ी, कहाँ, अच्छा चल रही है उधर, तो अभी तो तुम कर ही नहीं रहे क्वेश्चन को है, वो घड़ी लगा के 20 सेकंड से पहले होंगे बेटा क्वेश्चन, बिल्कुल स्टॉप वॉच लगा लेना। पढ़ते पढ़ते बेटा यहां पर मैंने कहा प्रीमियम से कोई भी मतलब नहीं होगा। बताओ कंपनी के पास क्या आया है, 4 रुपए आए, किस चीज के, एप्लीकेशन के। और रीशू कितने पे हो रहा है, शेयर था कितने का, तो रीशू करने पे कोई नुकसान है क्या, नहीं है, तो कितने का फायदा रहा, 4 रुपए का। कौन से शेयर पे कैलकुलेट करते हैं, रीशूट, और रीशूट कितने, 200, तो बेटा कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन डी क्या होगा, ऑप्शन डी। बेटा प्रीमियम का कुछ भी यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीमियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 कितने चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकता है, 5 चीजों के। क्या उसमें कैपिटल रिजर्व था, नहीं था। क्या फॉर फ्यूचर था, नहीं था। ओके, तो कितने का फायदा हुआ यहां पे, 4 रुपए। क्लियर है, क्या क्या, अरे मतलब तो ये कंपनी की मर्जी है, 6 की जगह 12 का रिश्यू कर रही कंपनी, ठीक है, क्लियर है। यहां तक बताओ कोई डाउट है, तो बहुत सारे डाउट बहुत सारे बच्चों को, लेकिन पूछेंगे नहीं, बेइज्जती हो जाती है ना बच्चों के सामने, कि अभी तक तो हमें होशियार समझता था, है ना, अगर मैंने सवाल पूछ ले तो ऐसा लगेगा मेरी बेइज्जती हो गई, फिर कैसी बात है, अभी भी 10 रुपए बचे मेरे पास, 30 रुपए रख के लेकर आया था पॉकेट में, पता अभी भी आप लोगों को प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। बड़ा ध्यान दो, प्रीमियम का कभी भी क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, इग्नोर इग्नोर, जैसे किताबों को करते हो, ये पढ़ाई को इग्नोर करते हो ना, ऐसी प्रीमियम को क्वेश्चन में इग्नोर कर देना, है ना, देखो हाँ करिए, हाँ मैंने कहा किताबों को इग्नोर करते हो, हाँ अच्छा, लेकिन गर्दन तो आपकी इग्नोर किताबों पे चली थी, है अच्छा, क्लियर है, अच्छा 112 सेकेंड्स में जल्दी से, अच्छा वो चल ही रहा था पहले से, क्या करो समझ में नहीं आ रहा, तो कोई कह रहा था इधर से, तुम्हारा आएगा भी नहीं क्योंकि तुम्हारी चिप पुरानी लगी हुई है, अब i3 i5 i7 ये सब चल रहा है, तुम्हारा डुअल कोर है, बड़ा देखो ये शेयर था कितने का, 10। ओके, कितने रुपए नहीं आए 10 में से, यानी कि कितने आ चुके, 8। ये समझ में आ गया, 8 रुपए ऑलरेडी कंपनी क्या कर चुकी है, रिसीव्ड। अब बताओ मिनिमम कितने का रीशू कर सकती थी, मिनिमम कितने का रीशूट, 2 रुपए का। ये बात सबको समझ में आ रही है, बट रीशूट कितने का कर रही है बेटा, तो कितने का फायदा हो गया, और शेयर कितने रीशूट हो रहे हैं, कितना हो जाएगा बेटा, 6। बताओ क्लियर है, आगे समझ में, अभी तुम तो कह रहे थे नहीं आया क्या, अच्छा मल्टीप्लाई देखो ऐसा होता है, 1200
इंटू पांच, फाइव जीरो से जीरो, फाइव जीरो फाइव वन सा फाइव और फाइव टू सा टेन का जीरो कैरी वन, फाइव वन सा फाइव और वन सिक्स, एक दो तीन ऐसे करके। फिर यहां पे चेक करो कहा है 6000, ये जी ये सही है, क्लियर है, शॉर्टकट समझ में आया नहीं आया? ओके देखो बेटा ये चीज प्रैक्टिस आएगी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजें क्लियर होंगी, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 अच्छा एक मिनट रुको, चलो जी स्टार्ट करूं, टाइमर सेकंड्स में आने चाहिए आंसर। 114 मेरा तो आ गया जी आंसर, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं बेटा जल्दी से, अरे क्या बात है उमेमा, बिल्कुल सही बता दिया, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है आपको अपने ऊपर? तो सच बताओ 8000 है या नहीं? 10 रुपए दे दूंगा आपको, हाँ है ना, है पक्का? लो मजाक कर रहे कौन, तो इसको लो आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लो नहीं दोबारा दिलवा दूंगा उनको, बट रख लो एक मिनट, देखो जी अगर नहीं हुआ तो 2 वापस ले लूंगा आपसे, ठीक है। देखो बड़ा चेक करो पहले, यहां पर देखो जरा बेटा हमारे पास कितने का शेयर है, कितने मंगवाए थे? 70 में से कितने नहीं आए, कितने आ चुके हैं? क्लियर है? अब बेटा आप लोगों ने गलती क्या की है, जिन लोगों का आंसर कुछ और आ रहा है, तुम्हारा पहले आंसर सही था अहमद, उसके बाद तुमने गलत कर दिया आंसर, तुम पहले क्या आंसर कर रहे थे? हाँ ठीक है। अब देखो बेटा ये शेयर कितने का रीइशू हो रहा है, था कितने का, अब ये क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन ही चेंज कर दी, देखा 70 पेड कितने का, 70 वाला शेयर कितने का रीइशू हो रहा है, 60 रुपए का, 70 वाला शेयर कितने का रीइशू हो रहा है, 60 रुपए का। बेटा समझो यहां पे हमारे पास क्या है, 50 रुपए ऑलरेडी आ चुके, 50 रुपए ऑलरेडी आ चुके। अब बताओ बेटा 50 रुपए जब ऑलरेडी आ चुके तो यहां समझो 50 रुपए का प्रॉफिट है, 50 रुपए का क्या है प्रॉफिट, ओके। और रीशूट करने पे कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपए का, कितने बचे 40 रुपए, कितने बचे 40 रुपए, क्लियर है की बात। और बेटा कितने शेयर पे निकालेंगे प्रॉफिट, 200 शेयर पे, यानी कि कितना 8000, कितना 8000, कितने लोगों का 8000 आ रहा था, ये तो बाद में आया, बाकी बच्चों का नहीं आया, क्यों कैसा हो गया, ये तो कंपनी की मर्जी है। देखो अब इसे दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, बताओ कंपनी ऑलरेडी कितने का रीइशू कर चुकी है, 50 रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है। अब ये समझो, अब इस क्वेश्चन में शेयर 100 का ना रह के कितने का रह गया, 70, तो बताओ 50 रुपए वाला शेयर 50 रुपए ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है और शेयर था कितने का, 70 रुपए का, तो मिनिमम कितने का रीइशू कर सकती थी, 20 का, बट रीइशू कितने में कर रही है, 60, तो बेटा 60 में रीइशू करी तो कितने का फायदा हो गया, कितने शेयर पर, 200 शेयर पर, बेटा कितना हो जाएगा 8000, बताओ क्लियर है, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन देखनी है कि यहां पर आपको क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन, ठीक है क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 जल्दी से, पढ़ते पढ़ते आ रहा है, देखो 20 सेकंड से पहले आ गया आंसर, आगे नहीं आगे 20 सेकंड से पहले, मैंने क्या कहा था 20 सेकंड से पहले बेटा कर लोगे सॉल्व, आपके सामने स्टॉप वॉच है, आया समझ में? चलो देखो बेटा हमारे पास कितने रुपए आ चुके हैं, 5 रुपए, यानी कि 5 रुपए का प्रॉफिट, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि शेयर है कितने का, 10 का, यानी कि 10 के शेयर में ऑलरेडी कितने आ चुके, तो मिनिमम कितने का रीइशू हो सकता था, 5 रुपए का, कितने का हो सकता था,
बट रीशू कितने में हो रहा है? 9 रुपए में। कितने का फायदा हो रहा है? और कौन सी शेयर पे बेटा रीशूड 15 फोरजा? बताओ, आ गया था 20 सेकंड से पहले। क्लियर है? कोई एंट्री करने की जरूरत है? नहीं है जी, कोई एंट्री करने की जरूरत। बताओ अब क्लियर है या नहीं? ओके, एक और क्वेश्चन। आज आप लोगों को ज्यादा मजा आ रहा है ना, डेढ़ घंटे से ज्यादा की क्लास हो गई पता है। 11 बजे तक दो मैसेज थे आपके पास और मुझे चैप्टर कंप्लीट कराना था और करा तो दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ही तो रह गए प्रैक्टिस के लिए आपके, वो प्रैक्टिस में करा रहा हूं यहाँ पे। चलो बताओ बेटा, 116 कौन सा? सी। 20 सेकंड से पहले भी बता दिया आपने, क्या बात है, पढ़ रही हो आजकल? कितने घंटे? 2 घंटे। अरे माशाल्लाह, तो इतना टाइम कैसे निकाल पा रही हो पढ़ाई के लिए? हैं? अच्छा, सिर्फ अकाउंट्स के लिए 2 घंटे ओवरऑल? अगर मैं 2 घंटे में कितने मिनट होते? 1120। अच्छा, एंट्रेंस में आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने? लो यही नहीं पता आपको? 7। कितने? 7। ठीक है, अगर मैं मान लूं आप 2 घंटे 20 मिनट पढ़ रही हो, मैंने माना इनके 20 मिनट मैंने बढ़ा दिए, तो टोटल कितने हो गए? 140 मिनट। और सब्जेक्ट कितने? तो यानी कि ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रही हो? 20 मिनट। 20 मिनट में हो जाएगा बेटा, कंप्लीट भी होते जा रहे सब्जेक्ट। चलो जी बेटा, कंपनी ने कितने पैसे रिसीव कर लिए और रीशू था शेयर कितने का? यानी कि 20 का था, 15 कॉल्ड अप है, रीशू कितने में हो रहा है? ज्यादा में। बेटा अब यहां पे इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, यानी कि फायदे में हो रहा है और हमें 11 रुपए का ही फायदा मानेंगे क्योंकि प्रीमियम पे हो रहा है ना, तो 11 का फायदा कितने शेयर पर? 100 शेयर पर, यानी कि कितना? 1100। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो बेटा इसे 20 मिनट को थोड़ा सा बढ़ाओ, आज आपके घर पे कॉल करके पूछूं, कहूंगा कि 20 मिनट पढ़ रही हो एक सब्जेक्ट, सही है? और मैं तो सोच रहा हूं उतना टाइम आप निकाल कैसे लेते हो, मतलब सच में कि 20-30 मिनट कैसे निकाल लेते हो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में? आपके पास और भी तो काम है पढ़ाई के अलावा, है ना? सही बात है, नहीं है, है ना? और पढ़ाई के लिए कैसे टाइम निकल रहा है मुझे समझ में नहीं आता। आई रियली अप्रिशिएट कि 20 मिनट एटलीस्ट निकल तो पा रहे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 119। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आंसर नहीं कर रहे बेटा, क्या बात है? अच्छा, बड़ी तेज, मुझे लग रहा है 20 सेकंड से भी पहले निकाल दिया तो है। कोई कह रहा 700, कोई कह रहा 500। 500 वाले ने भी अब 700 कहना शुरू कर दिया है क्या? 700। देखो बेटा, पी लिमिटेड कितना, कितने शेयर है, कितने का एक शेयर है? प्रीमियम पे शुरू है, इसकी रेलेवेंस नहीं है। बेटा आप देखो, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 3, तो बेटा हमें 10 का शेयर ले या 12 का? 10 का। प्रीमियम की कोई रेलेवेंस नहीं है। 10 में से कितने नहीं आए? कितने आ चुके? आउट ऑफ दीज बेटा 100 शेयर रीशूट कितने पे? और रीशू करने पे कोई भी नुकसान नहीं है और हम प्रॉफिट निकालते हैं रीशूट शेयर्स पे, यानी कि कितना? 700। बताओ क्लियर है? आगे समझ में? ठीक है, तो बेटा ये था आपका चैप्टर कौन सा? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, बंद मत करो, मतलब फॉरन बंद करने लगे ना। कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, मैंने अभी अभी कुछ कहा था बेटा, जब कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो हम क्या रेफर करेंगे? टेबल एफ। क्या रेफर करेंगे? टेबल एफ हम रेफर करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो टेबल एफ में क्या दे रखा है, जरा समझना। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर का मतलब है जितना पैसा कंपनी ने पब्लिक से मंगवाया है एंड शेयर होल्डर फेल्स टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन अ ड्यू टाइम, तो बेटा उस पैसे को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है? कॉल्स इन अरियर। इस अरियर का मतलब होता है क्या? आउटस्टैंडिंग।
एनी अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड और डिमांडेड बाय कंपनी फ्रॉम बट नॉट पेड बाय द टिल द लास्ट डेट मेंशन इन द कॉल लेटर इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स कंपनी चार्ज इंटरेस्ट बेटा कौन चार्ज करेगा इंटरेस्ट ऑन दिस रेट एट मेंशन इन द आर्टिकल्स ऑफ और 10% एज पर या तो वो रेट जो कहां पर दे रखा होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में और कितना 10% जो कहां दे रखा है टेबल एफ में जो कहां दे रखा है टेबल एफ में क्लियर है ठीक है कॉल्स इन एडवांस यानी कि बेटा एडवांस में यानी कि कंपनी ने तो सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगवाया था कहां तक लेकिन एक शेयर होल्डर कहां तक दे चुका है सेकंड एंड फाइनल कॉल तक तो उसको क्या बोलेंगे बेटा कॉल्स इन एडवांस एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ व्हाट दे हैज बी हैज आस्क्ड टू पे इज कॉल्ड एज कॉल्स इन इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस रेट अब बताओ कौन इंटरेस्ट पे करेगा इस पे कंपनी कितनी पे करेगी जितना किसमें दे रखा होगा और कितना एज पर टेबल एफ किसके अकॉर्डिंग यानी कि बेटा कॉल्स इन अरियर का कितना रेट है और ये रेट कहां दे रखा है कितना परसेंट 10% ओके और कॉल्स इन एडवांस का कितना 12% कहां दे रखा है ये रेट टेबल एफ में अगर ये टेबल एफ नहीं होगी तो क्या रेफर करेंगे फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो किसको देखेंगे टेबल एफ को बताओ क्लियर है इतनी बात ठीक है आगे समझ में चलो अब एक बच्चा कह रहा है सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दो प्रैक्टिकल आप सोचोगे कौन सा वो बच्चा है एक बच्चा बड़ा पीछे जो बैठे हुए ना ये चार पांच तुम्हें पता उनसे मेरे कान बहुत तेज है ना हाँ यहां पढ़ा रहा हूं लेकिन कान सब जगह लगे रहते हैं बताओ जी क्वेश्चन नंबर 63 इस पे चॉकलेट कितने रुपए कमा लिया था अपने 20 रुपए28 तो इनका 28 तुम्हारा भी 28 तुम्हारा बी ये तो आसान सा सवाल है अच्छा जाफर यार तुम्हारे लिए सब आसान था तुम पिछली बार किसी और को सीट दे दी तुमने भी मुझे लग रहा सैक्रिफाइस है ना ऐसा लग रहा है क्योंकि घर पे तो तुम्हारे सारे सही हो रहे थे लो बेटा 20 रुपए दे दो देखो जी क्या कह रहा है अच्छा सी देखो बेटा क्या कह रहा है फॉलोइंग इज द फॉलोइंग अमाउंट मोस्ट पेबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी 3 रुपए किसके ऊपर है 3 रुपए अलॉटमेंट 2 रुपए फाइनल कॉल और 2 रुपए फर्स्ट कॉल एक्स के पास कितने शेयर है ओनली एप्लीकेशन अलॉटमेंट बेटा क्या दे पाया वो वेयर इज वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर विल बी बेटा देखो सबसे पहले एक्स बेटा एक्स किस किस चीज का पैसा नहीं दे पाया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलाकर कितने रुपए की कितने शेयर पर नहीं दे पाया 500 यानी कि कितना 2000 बताओ क्लियर वाई किस चीज के पैसे नहीं दे पाया सिर्फ कितने शेयर पे यानी कि कितना 800 कितना हो जाएगा 2800 क्लियर है ठीक तो ऑप्शन बी 28 ठीक है सही बड़ा क्वेश्चन नंबर 65 हाँ मुनीजा बिल्कुल सही है आपका अच्छा तो निकाल के दिखा दो और जो तुम्हारा आएगा वो ऑप्शन है इसमें
एक मिनट रुको, अब किसी का ये भी हो सकता, और एक बच्चा तो 80 लाने का सोच रहा है, क्या 80 कैसे ले आऊं? क्यों आसिफ, तुम सोच ही नहीं रहे कुछ भी, है ना? तो चलो कब क्लास खत्म हो, मैं नहाऊं फिर जुमे की तैयारी करूं, क्योंकि आज जुमा पढ़ाना ना तुम मस्जिद में जाके, खुतबे की तैयारी करूं मैं, मतलब मैं इतनी बेइज्जती करता हूं कुछ भी असर नहीं होता आप लोग में। अच्छा आया किसी का आंसर? देखो बेटा, एक्स ए शेयर होल्डर होल्डिंग कितने शेयर, पेड द अमाउंट एट द रेट ऑन 1st November 2018, वेयर इज द कॉल वॉज ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल। बेटा देखो, इसे पेमेंट कब करनी थी, इसे पेमेंट कब करनी थी, 1st March को, इसने कर कब दी, 1st November 2018 में, कितने महीने पहले कर दी, दिसंबर, हाँ नवंबर, कहां से काउंट करना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ना, कितने सिर्फ 4 महीने, 4 महीने। बड़ा देखो, 3000 रुपए पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा, 3000 रुपए कैसे आए, 600 × 5, 3000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट का कॉलेज इन एडवांस का रेट कितना था, 4/12, 12 से 12, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना 120, कितना 120 रुपए, बताओ क्लियर है, क्लियर है या नहीं क्लियर है, मल्टीपल गलत कर दिया था, मंथ क्यों, कितने महीने पहले दिया इसने पैसा, तो बेटा ही इज एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट फॉर 4 months, कितने महीने की इंटरेस्ट मिलेगी उसको, 4 महीने की क्या मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी, बताओ क्लियर है। अगर बेटा ये, अगर यहां पे मैं डेट चेंज कर दूं, यहां पर कर दूं 1st March 2019 क्या, और यहां कर दूं 1st November 2018, तो यहां पर क्या आएगा, फिर कॉलेजन एरियर, सिर्फ रेट कितना परसेंट हो जाएगा, फिर 10%, कितना हो जाएगा 10%, बताओ क्लियर है, कॉलेजन एरियर पे 10% का रेट और कॉलेजन एडवांस पे 12% का रेट, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, थोड़ा अब हो जाता है आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, ओके, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कंप्लीटेड, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, हाँ वो अभी बता रहा हूं, क्लास बंद कर दूं, ठीक है।